हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। इसका नाम है टेक सेवर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उस्मानाबाद के बारे में। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी अगर एग्रीकल्चर कॉलेज की जानकारी चाहिए तो एक बार प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम और आज की वीडियो की तरफ चलती है। तो फ्रेंड्स, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उस्मानाबाद का इस्टेब्लिशमेंट है 2000 और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उस्मानाबाद एफिलेटेड है वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी से। और फ्रेंड्स, आपको अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आपको सभी तरह के गेम्स खेलने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के गेम्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। आउटडोर में यहाँ पे दो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, एक गर्ल्स के लिए और दूसरा जो है बॉयज़ के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट सभी तरह के गेम्स मिल जाते हैं। और इंडोर में आपको जो है एक बिग हॉल प्रोवाइड किया जाता है सफिशिएंट स्पेस में, और वहाँ पे जो है टेबल टेनिस, चेस, कैरम जैसे सभी तरह के गेम्स मिल जाते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये होता है अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे मैचेस खेलना चाहते हो, आपको स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेंड्स। और यहाँ पे कल्चर वीक होता है, वहाँ पे भी आपको मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहाँ पे भी स्पोर्ट्स प्रोग्राम आप ये रख कॉलेज वाले रखते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑडिटोरियम है जिसका सेमिनार प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है। म्यूजियम है, अच्छा खासा इस कॉलेज का म्यूजियम भी है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। उसके बाद हम बात करने वाले हॉस्टल के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो हॉस्टल है कॉलेज के कैंपस में, एक गर्ल्स के लिए और दूसरा जो है बॉयज़ के लिए। जो बॉयज़ का हॉस्टल है उसकी जो इंटेक कैपेसिटी वो 96 स्टूडेंट की है, और गर्ल्स की जो हॉस्टल की इंटेक कैपेसिटी वो 51 है। और एक रूम में टोटल दो स्टूडेंट्स को रखा जाता है फ्रेंड्स। और ये रूम जो है, इस रूम में भी आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है फ्रेंड्स, और इस हॉस्टल में मेस भी आपको मिल जाती है। और यहाँ पे जो है एक्वागार्ड रखे गए, मतलब आपको पानी भी यहाँ पे साफ़ सुथरा मिलने वाला है, और हॉस्टल जो है वो डेली के डेली क्लीन किए जाते हैं फ्रेंड्स। और आपको अगर बाहर कहीं घूमने जाना है तो आप अपनी खुद की जो है गाड़ी से जा सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगने वाला है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टेलीविजन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको एंटरटेनमेंट के शौकीन हो तो आपको यहाँ पे टेलीविज़न भी मिल जाता है फ्रेंड्स। और हॉस्टल में भी आपको इंडोर गेम मिल जाते हैं। अगर आपको संडे के दिन अगर गेम खेलना है तो आपको इंडोर गेम हॉस्टल में भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी अच्छे खासे होते हैं फ्रेंड्स, और स्टूडेंट भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। आप देख सकते हैं, आपको स्लाइड दिखाई जा रही है, NCC यूनिट, NSS यूनिट भी यहाँ पे अवेलेबल है फ्रेंड्स। यहाँ पे इंटेक कैपेसिटी जो है NSS की तो 60 स्टूडेंट की इंटेक कैपेसिटी है। और ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर की थी, और लगभग सभी कॉलेजेस में NSS की जो स्कीम है वो रखी जाती है फ्रेंड्स। और इसमें भी आपको जो है सर्टिफिकेट मिलता है, और अच्छा है अगर आप करना चाहते हो पार्टिसिपेट तो यहाँ पे NSS में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और कॉलेज में जो है वो योगा पार्क भी है रेगुलर, आप वहाँ पे योगा सेक्शन होते है, आप भी आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो उसमें। और बड़ा सा योगा ग्राउंड है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और ट्री प्लांटेशन कैंपेन कॉलेज में होता है फ्रेंड्स, और आप पार्टिसिपेट कर सकते हो तो कर दीजिए, अच्छा है यार। वैसे भी लोग पेड़ तोड़ रहे तो पेड़ अब लगाएंगे तो अच्छा होगा। और यहाँ पे जो है कॉलेज का एकेडमिक बिल्डिंग्स को जो है वो 13 हेक्टर का एरिया टोटल लग चुका है फ्रेंड्स। और जो पानी की बरसात पे खेती करते हो, फील्ड वर्क जो जहाँ पे आपको करना है वो 47 हेक्टर का है, मतलब बहुत ही बड़ा जो एरिया है इस कैंपस का वो है, आप देख सकते हो। और इरिगेटेड जो है, मतलब इसको बागायती बनते
जिसको आर्टिफिशियल पानी से पिकाया जाता है, वो 5 हेक्टर का है। देख सकते हो कॉलेज का कैंपस भी, आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हो, बहुत बड़ा कॉलेज का कैंपस है। और आपको जो कॉलेज की लाइब्रेरी है, आपको ये सभी तरह की बुक्स वहाँ पे मिल जाती है। और कितनी संख्या में ये बुक्स है वो भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स। और आपको डेली न्यूज़पेपर अवेलेबल है लाइब्रेरी में 5, और डेली प्रोफेशनल जर्नल्स जो है वो 2 अवेलेबल है। और फ्रेंड्स लाइब्रेरी जो है वो सिचुएटेड है मेन बिल्डिंग में, कॉलेज टू द फैसिलिटेट क्विक एक्सेस लाइब्रेरी फैसिलिटीज टू स्टूडेंट एंड स्टाफ, इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है इन नियर बाय कंप्यूटर सेल। द लाइब्रेरी ओपनिंग आवर्स सुबह 9 से शाम 5 बजे तक लाइब्रेरी ओपन रहती है। तो और लाइब्रेरी की जो कैपेसिटी है वो 75 स्टूडेंट्स की है। तो फ्रेंड्स इतने तो बच्चे आते नहीं है, बट अगर आपको ऑफ गिव है लेक्चर है या फिर आपको अटेंड नहीं करना है तो आप लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं सकते हैं आप। यहाँ पे लेबोरेटरीज है, एग्रोगेमी एग्रोगेमी की, एग्रीकल्चर बॉटनी की, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये सभी तरह की आपको लाइब्रेरी मिल जाती है। यहाँ पे यूनिट्स दिए गए हैं और उसकी सिटिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे दी गई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। और यूजी प्रोग्राम में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएससी एग्री को जो है 2013-14 में 57 स्टूडेंट बैठे थे, उसमें से 52 पास हो चुके हैं। 2014-15 को जो 61 स्टूडेंट बैठे थे, 55 पास हो चुके हैं। ऐसे टोटल की अगर हम बात करें तो 301 स्टूडेंट यहाँ पे बैठे थे फ्रेंड्स, उसमें से 264 जो है वो पास हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप इसका रिजल्ट देख सकते हो कॉलेज का, वो अच्छा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब पढ़ाया भी अच्छा जाता है। और जो कॉलेज के ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट द स्किल्स ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, टू एंकरेज द डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टेक्निकल स्किल इन टूडे स्टूडेंट, टू स्टार्ट इंडिटेट सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, टू कंडक्ट फंडामेंटल साइंटिफिक रिसर्च एंड टू डेवलप एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, टू डेवलप एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग इन लाइवहुड फूडेस्ट फार्म इन रीजन। तो ये जो है इस कॉलेज का ऑब्जेक्टिव है। और इस कॉलेज का जो मिशन है, टू प्रोवाइड द हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन, टू फुलफिल रीजनल डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, टू मेक अवेलेबल एग्री टेक्नो क्राफ्ट्स फॉर रीजनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, टू ट्रेवल द रूरल यूथ्स एंड इंकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, टू डाइमेंशिएट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये इस कॉलेज की मिशन है। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी आप बता सकते हैं। और आपको एग्रीकल्चर का स्टडी मटेरियल चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम अपडेट्स देते रहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।